अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी जो ना शाम का टाइम हो रहा है, अभी अभी जो ना ऊपर आया था सुबह से, जो ना कबूतर ही नहीं थे खोले, कल भी नहीं थे खोले, क्योंकि कल भी जो ना बारिश हो रही थी और आज भी जो ना दोपहर में बारिश स्टार्ट हो गई थी और शाम तक जो ना बारिश हुई है। तो मैंने कबूतर जो ना खोले नहीं थे, छत भी सारी गीली गीली हुई थी, तभी दाना डालने के लिए आता, मैंने देखा सामने छत में ना चेक करें कबूतर बैठा हुआ है जाख सा। तो मैंने कहा चलें कबूतर खोलते हैं, इसको उतारने की कोशिश करते हैं। कबूतर चेक करें, अपने भूखे भी हो रहे हैं, बुड्ढा जो है ना हाथ पे आके बैठ गया। चल हट जा, ये देखें मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। तो ट्राई करते हैं इसको उतारने की, देखते हैं क्या सीन बनता, उतरता भी है कि नहीं। तो ये वो कबूतर नहीं है जो कि 3-4-5 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, भाग कर आया था, हमारा नवीद भाई के पास चला गया था। ये कोई और ही कबूतर है। तो देखते हैं अभी आता है कि नहीं आता, क्या सीन बनता है इसका। ये देखें अभी ये रेसर आ गया मेरे हाथ में और ये कलदुमा भी आ रहा है ऊपर से, ये बुड्ढा भी आ रहा है। ओए बारी बारी आ गए, नाखून मार मार के जा रहे हैं। क्या हो गया बुड्ढे, हटो ना, जाओ दाना डालने का टाइम हो रहा है। मेरे हाथ में प्याली है इसीलिए सारे जो है ना मुझे तंग कर रहे हो। देखे फिर आ गए रेसर, तो हम उसको उतारें या इनको संभालें ये नहीं समझ में आ रही। अबे हट जाओ, नीचे डाल रहा हूँ, जाओ नीचे से खाना फिर अभी। तो ट्राई करते हैं, अभी चेक करें। ये कबूतर है, टैडी कबूतर लग रहा है ये तो मुझे, तो शो वाला कबूतर लग रहा है। तो देखते हैं जो भी सीन बनता है आपके साथ शेयर करते हैं। वो मुझे लग रहा है आने लगा है, उड़ के जाने लगा है, देख तो रहा है आसपास में, इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा है। तो 2-3 चक्कर इसने मारे यहाँ पे आसपास में ही ना, पहले यहाँ पे बैठा है, मैंने नहीं खोले, यहाँ से उड़ गया, फिर यहाँ करीब में आके बैठा ना तो मैंने खोल दिया। मैंने कहा चलो अब जो ना ट्राई लगाते हैं, क्या पता उतर ही जाए। चेक करें, वो उड़ गया और वो सामने शेड में आके बैठ गया। तो क्या सीन है इसका समझ नहीं लगी मुझे, शेड में आके बैठ गया, वहाँ से उड़ गया, हो सकता है अब नीचे आ जाए, क्या पता। तो चेक करें भाई साहब, शेड से भी उड़ गया और वो निकल गया, काफ़ी हाइट में हो गया अभी, तो चक्करे लगा रहा है अभी, देखते हैं फिर से आके बैठता है या तो फिर नहीं आता, क्या सीन बन जाता है। तो दोस्तों कल तो वो कबूतर चला गया, तो वापसी ही नहीं आया था। आज जो है ना नेक्स्ट डे, दूसरा दिन है, तो अभी जो ना मैं ऊपर आया हूँ छत पर, चेक करें अपने जो कबूतर मैंने आज खोले ही नहीं है, क्योंकि आज सुबह से जो ना बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह से तो नहीं, सुबह में तो बिल्कुल सही मौसम था, सही तेज़ वाली धूप निकली थी, इसलिए मैंने सुबह में खोले नहीं थे। मैंने कहा दोपहर में जो ना थोड़ा जब मतलब नॉर्मल मौसम हो जाएगा ना, फिर जो ना जाऊँगा खोलूँगा कबूतर। तो जब मैं दोपहर में आया तो मौसम ऐसा हुआ था, मुझे लगा था कि आज जो है ना बारिश होगी, तो इसीलिए ना मैंने कबूतर ही नहीं खोले। अभी भी जो ना मौसम चेक करें, अभी तो फिर शाम हो गई है, मौसम लेकिन जो ना बारिश बारिश जैसा ही लग रहा है। तो बारिश तो ही नहीं, लेकिन दोपहर से ही ना मौसम सही मज़ेदार बना हुआ था, मैंने कबूतर इसीलिए नहीं खोले क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, किसी भी वक्त भी ना स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा अपने कबूतर उड़ रहे होंगे ना, फिर पता नहीं बारिश में भीग जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे, तो इसीलिए मैंने खोले ही नहीं, क्योंकि कबूतर सेफ करना ज़्यादा ज़रूरी है खोलने से उड़ाने से। तो इसीलिए मैंने नहीं खोले कबूतर फिलहाल, अभी तो इनका दाने का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल मैं क्या सोच रहा हूँ, आज जो है ना अपने एक फिरोजपुरी पट्टा यहाँ से कम हो गया था और एक रॉकेट वाला बेबी मर गया था, लेकिन एक रॉकेट वाला जो बेबी बचा हुआ था ना, तो मैं सोच रहा हूँ आज जो ना उसको बांध के ना बाहर छोड़ें, आप दोस्तों को शौक भी कराएं, शहजादे जो दो पट्टे निकले हैं उनका भी आपको जो ना शौक कराएं, बाकी रॉकेट वाले पट्टे का भी ना शौक करा दूं और उसको जो ना बांध के बाहर ही छोड़ दूं उड़ाने के लिए ना। ये रहा चेक करें, बाकी शहजादे वाले तो ये ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं, इनका शौक करा के इनको वापसी यहीं भी छोड़ देंगे। इसकी ना फिर से आँख में पता नहीं क्या सीन बना है, कोई दाना टाइप सा पता नहीं क्या हुआ है, इसको चेक करें। बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन जो है ना फिर से उसकी उस आँख में ना कोई दाना सा निकल आया। तो बाकी के तो सारे के सारे जो है ना ओके हैं यहाँ पे। ये पट्टा भी बिल्कुल ओके नहीं हुआ, हल्की हल्की थी, खड़खड़ कर रहा है, लेकिन बाकी जो है ना अपनी बनतर में तो आ गया। चेक करें आपको जो ना दिखाता हूँ, ओ ये किधर आ गया, चल नीचे बैठ ज़रा, इसकी स्टैंडिंग आपको यहीं पे ही दिखाऊँ ना मैं पहले ही, तो अभी दिखाता हूँ आपको इसकी स्टैंडिंग, अगर फिर से ना ना चढ़े ऊपर। वो देखे छीके मार रहा है हल्की हल्की अभी भी, तो मेडिसिन देंगे इसको, बाहर तो निकालें कम से कम, बाहर ताज़ी हवा में जाएगा खुद ही ठीक हो जाएगा। ये देखें ये छीके मार रहा है अभी, तो अभी अपनी बनतर दिखा नहीं रहा, वरना इतनी प्यारी इसकी स्टैंडिंग है ना। तो फिलहाल क्या करते हैं, फैसला साथ का इंतज़ार करते हैं और फिर वो आएंगे ना तो आपको शौक कराते हैं। ये चेक करें, एक कौवे का बच्चा भी जो है ना यहाँ आया हुआ है हमारी छत पे, और ये दीवार में बैठा हुआ है, शुक्र है दीवार में बैठा हुआ है, नीचे नहीं गिरा, वरना नीचे गिरता ना तो फिर इसने हजामत निकाल लेनी थी इसकी, या कौवों ने बचा लेना, तो पता नहीं। इसको सामने ही बैठे हुए इसके माँ बाप मेरे ख्याल में, चेक करें वो बैठा हुआ देख रहा है ये भी उधर ही, तो इसको जो है ना उड़ा देते हैं छत से अपनी, बस इसको देख के इसके अम्मा बाप मेरे पे हमला ही ना कर दें। चल उड़ जा, नहीं उड़ पा रहा, बहुत छोटा है, चेक करें, तो मुझ पे हमला ना करें इसीलिए इसको छोड़ दे यहीं पे, जो भी होगा देखा जाएगा। नीचे गिर गया तो फिर इन्होंने पकड़ के मारना है, इनसे बचाना भी पड़ेगा उसको। तो फिलहाल अभी इनको दाना वगैरह रख देता हूँ मैं जल्दी से, तो आगे ये लोग दाना वाना खा ले, फिर थोड़ी देर में इनको पानी भी रखते हैं। तो चेक करें दोनों ट्रेस में दाना तो मैंने निकाल लिया, एक जल्दी से इधर रख देता हूँ और एक दोनों इधर रख देता हूँ। देखें कैसे पागल हो रहे दाने के लिए, क्योंकि ना अभी इनको दाना रखा हुआ था ना पानी रखा हुआ था, तो जल्दी से रख देते हैं। बस ये फीमेल्स का ना मुझे डर बहुत लगता है, गेट खोलता हूँ ना कि बाहर ही ना निकल जाए। अभी कल भी जो है ना एक निकल गई थी, मैंने ऐसे ही गेट खोला था, कल नहीं परसों निकल गई थी शायद, बारिश हो रही थी, मैंने सफाई के लिए गेट खोला और ये वाली फीमेल रॉकेट वाली बाहर निकल गई थी।
तो ये तो शुक्र है अपनी पली भी थी तो वापसी बंद भी हो गई आसानी से, वरना कोई और फीमेल जो पली भी नहीं थी वो निकल जाती तो फिर तो मामले ही ख़राब हो जाता। तो खैर अभी तो नहीं निकला कोई भी, चले शुक्र है। तो यहाँ पे भी जो ना जल्दी से रख देते, तो चेक करें यहाँ पे भी जो ना रख दिया। अब चलते हैं ब्रीडिंग वालों को भी ना दाना डाल ही देते हैं, पट्ठे वट्ठे जो है ना वो दाना भी खा लेंगे, फिर आपको जो है ना शौक करा देंगे। तो चेक करें अब दिखा रहे ना अपनी स्टैंडिंग, दोनों पट्टे चेक करें आगे खड़े में ना, इनका भी आपको शौक कराने, ये शहजादे वाला और ये रॉकेट वाला। तो हल्की हल्की छीकों में लगा हुआ है अभी भी, तो जल्दी से जो है ना यहाँ पे भी दाना डाल देते हैं ताकि दाना जो है ना ये लोग खा लें, सारे नर नर ही हैं यहाँ पे। तो चेक करें आगे सबसे पहले यही खाने के लिए, बुक्कड़ खाता बहुत है, अभी हैवी भी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम से ये अंदर ही बंद है, इसने कलियाँ भी नहीं गिराई थी अभी तक, क्योंकि बीमार चल रहा था। अब थोड़ा सेहतमंद हुआ ना तो इसने कलियाँ झाड़ना शुरू की हैं, तो अच्छी साइन मुझे मिली। तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इसको बाहर छोड़ते हैं, वरना मैं तो नहीं छोड़ रहा था इसको ये बार, लेकिन अब इसने कलियाँ गिरा दी तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इसको भी छोड़ेंगे बाहर ही। तो अभी जो है ना चेक करें आ चुके फैसला साहब, जल्दी जल्दी से जो ना निकालते हैं और आप दोस्तों को ना शौक कराते हैं उनका। चेक करें इसको जो ना अभी निकाल के ले आए, और अभी जो ना आपको इसका फोटा दिखाता हूँ, चेक करें कितना जो है ना इसने भर लिया है। तो अभी जो ना आपको इसकी आइज़ दिखाता हूँ, तो फोकस करो ज़रा इसकी आइज़ पर और जूम भी करके दिखाओ। तो आँखें जो है ना इसने अभी सही से बनाई तो नहीं है, लेकिन आगे जाके जो ना बनाएगा। तो बैक मार थोड़ा सा, मार मार बैक मारो, ये चेक करें ये जो ना इसकी आइज़ हैं, छीके मारे पे मारे जा रहे मेरे हाथ में ही। तो अभी जो ना आपको पर दिखाता हूँ इसके, चेक करें अभी तक जो ना इसने बिल्कुल कोई कली नहीं गिराई थी, लेकिन अभी जो ना डायरा की दो कलियाँ जो ना इसने गिरा दी हैं, ये जो ना इसके पर हैं। तो माशाल्लाह पर तो इसके बचपन से ही काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन बेचारा कमज़ोर कमज़ोर ही रहा है। बाकी ये जो ना चेक करें इसकी टेल है, बन टेल में बिल्कुल। तो बाकी पंजे भी जो ना आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसके जल्दी जल्दी से, ये चेक करें ये जो है ना इसके पंजे, इसको जो ना पलटा नहीं रहा मैं हाथ में, वरना सारा जो है ना ये बाहर निकाल देगा। चेक करें ये इसके पंजे, तो स्टैंडिंग ही मैंने आपको दिखाई थी इसकी, तो इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ दूँ, क्योंकि इसको उड़ाने के लिए छोड़ना भी पर बांधने सही पर और बाद में बांध देंगे ना। बाकी छीकों का इसका भी इलाज करना है यहाँ पे, एक और कबूतर का भी करना है, तो दोनों का ही कर देंगे साथ ही। फिलहाल दूसरा पट्टा निकाल के लाता हूँ। तो चेक करें शहजादी पट्टी 2.0 जो है ना लेकर आ गया हूँ, कलर में तो वैसे ही नहीं है लेकिन नस्ल तो वही है। तो ये वाली आँख पे तो दाना निकला हुआ, ये वाली आँख का जो ना आप दोस्तों को शौक करा देता हूँ। तो आँखें जो है ना इसकी दिखाओ ज़रा, तो आँखें जो ना सेम टू सेम ही है, मुझे तो इसकी उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या लगता है तुम्हें, उससे ज़्यादा अच्छी हैं कि नहीं है? उससे अच्छी है ना शहजादी पट्टी थे, लेकिन उसकी भी बचपन में इसी तरह की थी यार, उसकी बचपन में भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी हैं। तो इसकी आगे जाके मुझे लग रहा है और अच्छी बन जाएंगी। तो फिलहाल अभी जो ना आप दोस्तों को इसके पास दिखाता हूँ, चेक करें इन्होंने ना दो दो कलियाँ निकाली हुई हैं, और जो भी पट्टे का आपको शौक कराया था उसने बिल्कुल नहीं निकाली थी, उसने अभी गिराई थी सिर्फ। तो ये जो ना इसके पर हैं, दूसरी साइड के दिखाता हूँ आप दोस्तों को, तो ये चेक करें ये जो ना इसके पर हैं। तो दुम दिखाता हूँ आप दोस्तों को, ये जो ना इसकी टेल है, मचल रही बहुत है हाथों में, ये जो ना इसकी टेल है। बाकी पंजे भी दिखाता हूँ, ये चेक करें ये जो ना इसके पंजे, तो ये तो पट्टी है पक्का, तो इसीलिए इसको तो जोड़ों में ही लेके जाएंगे। इसका जो है भाई है वो भी जो ना अभी आपको लाके दिखाता हूँ, ये देखें इसकी आँख में पता नहीं क्या अजीब सा हुआ है, बिल्कुल सही हो गई थी, लेकिन ये कचरा नहीं है जो वाइट कलर का मैल होता है, कुछ और ही चीज़ है। तो ये ठीक करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह करे ठीक हो जाए। तो फिलहाल इसको भी छोड़ते हैं, अभी इसका भाई लेकर आता हूँ और उसका जो है ना आप दोस्तों को शौक कराता हूँ। तो चेक करें फाइनल बॉस जो ना लेकर आ गए हो, इसने देखें कितना भरा, और ये तो मुंह से पानी भी उड़ा रहा है हाथ में पकड़े ना। तो जल्दी जल्दी से इसको शौक करा देते हैं और इसको जो ना फिर वापसी छोड़ देते हैं। आँखें जो ना आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसकी, इसकी आँखें उससे क्या लगता है, पट्टी जो भी अभी शौक कराई उससे अच्छी हैं या उसके बराबर ही? हाँ बराबर बराबर ही हैं, अच्छी हैं, मुझे तो अच्छी लग रही हैं उससे। इसकी आँखें ना काफ़ी फाइनल बॉस है ना, ये फिर शहजादा पहला शहजादा नर निकला है, ये अच्छा, नर है पता नहीं कंफर्म। हाँ यार नर भी तो निकलने चाहिए, नर तो निकल ही नहीं रहे, वही ना निकल रही है, वही ना, और इनमें नर नहीं था निकल रहा, वही ना माटिया माटिया निकल रही है, बड़ी बात है। हाँ अच्छी बात है ना, वही ना, लेकिन नर भी तो होना चाहिए, जो कि हम उड़ाए भी तो सही, वही ना जो कि उड़ाए भी तो सही, नर पे जाए बच्चे। अभी जो ना दोस्तों को शौक कराते हैं इसके, चेक करें ये जो ना इसके एक साइड के पर है, ये लो ये मस्तियाँ कर रहा है, इसने कितनी गंदी कली निकाली है, ये भी बीमार हो गया था जब ये कली ला रहा था ना, तो इसीलिए ये कली ख़राब आई है इसकी। ये जो ना इसके इस साइड के पर हैं, बाकी दूसरे साइड के आपको दिखाता हूँ, दूसरे साइड के चेक करें कलर में निकालें, उस साइड के सारे सफ़ेद इधर वाले कलर में, बाकी टेल इसकी बंद है लेकिन अभी बहुत जो है ना मचल रहा है। तो ये चेक करें ये जो ना इसकी ओरिजिनल टेल है, बाकी पंजे भी दिखाता हूँ आप दोस्तों को इसके, ये चेक करें ये जो ना इसके पंजे, पंजे चेक करें गुलाबी से खुश्क, तो ये पंजे इसके, बाकी पट्ठा ये पूरा है, मस्त पट्ठा है, लूएँ चेक करें अभी से ना निकलना शुरू हो गई हैं इसके ऊपर बारीक बारीक सी, फुल कुरीजों में भी आया हुआ ये, तो छोड़ देते हैं अभी जल्दी से इसको भी।
तो फिलहाल इस वीडियो को जो ना यहीं पे एंड करते हैं। तो उम्मीद है आप दोस्तों को जो ना पसंद आए होंगे पट्टे शौक करके जो ना मज़ा आया होगा। तो फिलहाल आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट में आप दोस्तों को ना कौन सा वाला अच्छा लगा, रॉकेट वाला या शहजादे वाले पट्टे। फिलहाल वीडियो को जो ना यहीं पे एंड करते हैं, मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।